हाय हेलो गाइस, टुडे इट्स मी अनिल पटेल और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ और यह वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और यह वीडियो में आपको यह चीज़ बताऊँगा कि एग्ज़ाम के समय में स्टूडेंट का क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन और एग्ज़ाम बीतने के बाद स्टूडेंट का क्या रिएक्शन होता है और रिजल्ट आने के बाद क्या रिएक्शन होता है पेरेंट्स का, गार्जियन का, आप दिखाएंगे हम आपको। और दोस्तों आप हमारा चैनल देखिए और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ देना चाहते हैं सुझाव दे दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम पढ़ता है तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप देखिए एग्ज़ाम पढ़ने के बाद समय स्टूडेंट क्या करेंगे। दोस्तों तो प्लीज़ यू कैन सी दैट यल्लो का कल एग्जाम है और तुम लोग सुन रहे हो कैसा होगा। कल एग्जाम है और आज तुम लोग सुन रहे हो, जल्द जल्द सब पढ़ो। क्या पढ़ो एग्जाम में, कल क्या लिखोगे कुछ तुम लोग को मालूम नहीं है। इतना लेट क्यों आया हो तुम लोग? सर सॉरी सर सॉरी। और ये तुम लोग का क्या ड्रेसअप है सर? ये थोड़ा सा ठंडा लग रहा है सर, थोड़ा और थोड़ी लाइन से सर फिर सीट सर सर आज हमारा सर इंग्लिश 0.2 केजी सर ये क्या है सर? सर क्या है ये सर? क्वेश्चन हमको चेंज लगता है आज हमारा इंग्लिश का था सर। ये केमिस्ट्री कैसे आ गया? ये भी नहीं मालूम है आज किसका एग्जाम था। यप सॉरी सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर देखो इसको सर सर भाई पेन है क्या? नहीं मेरे पास सर, नहीं सर, 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 सर एक पेन सर, एक ही पेन सर, मेरा बॉल जल गया सर, पेन कहाँ गिर गया सर? तुम लोग पेन भी नहीं रहता सर, मेरी गर्लफ्रेंड पेन ले ली सर। तुम लोग क्या सर? सर मेरा पेन गिर गया सर, वो पता नहीं सर अचानक कहाँ गिर गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे यार दोस्तों आपने देखा ये एग्जाम पढ़ने का इन लोग का तरीका था। इन लोग का जो कमज़ोर होते हैं पढ़ने में उसी पे ही करते हैं, जो टैलेंट होते हैं पढ़ने में वो अपना समय निकाल कर पढ़ते हैं और जो इन से नलायक होते हैं जो क्या करते हैं आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों देखिए एग्ज़ाम बीतने के बाद इन लोग क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम बीतने का रिएक्शन था। अब आप देखिए रिजल्ट आएगा तो क्या करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, आप प्लीज़ देखिए वीडियो अगाड़ी का।
मैं सोच रहा हूँ अपने एक बेटे को इंजीनियर पढ़ाने के लिए और एक को तो सोच रहा हूँ डॉक्टर पढ़ाने के लिए। देखते हैं क्या पढ़ेंगे ये लोग। रिजल्ट आने दो। गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डैड। टुडे वाज माय रिजल्ट डैड। ओके सो ऑन सो रिजल्ट। तुमने क्या लिया एग्जाम में? क्या हुआ डैडी? सर किसी में तुमने पास नहीं किया डैडी। मेरे आंसर राइट डैडी। सर के क्वेश्चंस गलत थे तो अब हम उसमें क्या करें डैड? ये तुम्हारा क्या है सॉरी डैड? सॉरी डैडी। नलायक तू किधर भागा? नलायक आज तू दाएं क्या कर रहा है? आइए महाराज आइए आइए। आपका क्या रिएक्शन है डैडी? देखिए ना एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ है? पहला तुम उनको रिजल्ट दिखाओ। और ये तुमने ये चश्मा क्यों लगाया? बाप के सामने चश्मा लगाते हैं। चश्मा निकालो करो। वो तो 10-5 ले आते, तुम तो सब 3-3 लाए हो डैडी। वो क्या है ना कि एक लड़की को मैंने प्रपोज में आता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया। बाप के सामने प्रपोज की वीडियो तो प्रपोज मारेगा लेकिन सामने। सॉरी डैडी। सॉरी डैडी। क्या ये पढ़ेंगे इन लोग? मैं सोच रहा था तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए इंजीनियर, बट तेरा सपना सपना ही रहेगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरा सपना कुछ और है। क्या है? मेरा सपना है कि आर्टिस्ट बनूं और एक छोकरी को घुमाऊं, अच्छे अच्छे गर्लफ्रेंड रखूं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज दोस्तों प्लीज। और प्लीज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? सो गाइस प्लीज कमेंट कॉपरेट अस। हे गाइस वी होप यू हैव एंजॉयड आवर वीडियो। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड इन द फ्यूचर वी विल नेक्स्ट वीडियो विल बिकम आवर।